الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त में मुसलमानों पर जो हालात हैं पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर से हमारे इस मुल्क के अंदर जो मुसलमानों पर हालात हैं, जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, मुसलमानों की जान माल महफूज नहीं है, मसाजिद महफूज नहीं है, सब हालात हम सुनते भी रहते हैं, देखते भी हैं, खबरों के जरिए से हमें सारे हालात मालूम होते रहते हैं। तो अब इस वक्त में इन हालात में हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए इन हालात में? तो अगर हमें देखना है कि हमें इन हालात में क्या करना है, तो हमें रहबरी मिलेगी किससे? कुरान और हदीस। हमें देखना है कुरान पाक के अंदर इन हालात में, ऐसे हालात जब मुसलमानों पर हो तो ऐसे हालात के वक्त में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। कुरान करीम में जो बातें बयान की गई है वही हमें करना है, इसलिए कि कुरान करीम सिर्फ उस जमाने के हालात के हिसाब से नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान करीम में उन सारे मसाइल का हल है जो कयामत तक के आने वाले, जो कयामत तक के हालात पैदा होने वाले हैं, उन सारे हालात का हल और उन हालात में क्या करना है कुरान करीम में सारी चीज़ों को बयान किया है। अगर हम देखें तो इस वक्त में जो हालात हैं इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत सख्त हालात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप पर और सहाबा पर गुजरे। अगर हम आज के हालात का मुकाबला उस वक्त के हालात से करेंगे तो उस वक्त के हालात के हिसाब से आज के हालात कुछ भी नहीं। उस वक्त में क्या हालात थे? उस वक्त में इतने सख्त हालात थे कि मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे थे। ये कह देना के माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और इस्लाम को हक और सच्चा मजहब मानना, ये इतना बड़ा जुल्म था कि जिसके बारे में पता चल जाते हैं मुसलमान है, बस उस पर कुफार जो है तो जुल्म करना शुरू कर दिया। हम सुनते रहते हैं वाकया, हजरत बिलाल है, हजरत खब्बाब है, हजरत जो है अम्मार है, हजरत यासिर है, उनकी वालिदा है, इन सब पर क्या हालात गुजरे। रात में इनको जो है तो खूब मारा जाता और दिन के अंदर एकदम सख्त तो चिलचिलाती धूप के अंदर तपती रेत के ऊपर इनको लेटा दिया जाता नंगा बदन। ऐसे हालात थे कि मुसलमानों को 3 साल तक के घाटी के अंदर कैद किया गया, 3 साल तक के मुसलमानों से बायकॉट रहा, इनसे लेन देन, शादी ब्याह,
इनसे मेल मिलाप सब बंद, ऐसा सब तो बायकॉट हुआ। इतने सब तो हालात थे कि मुसलमानों के पास जो कुछ खाने पीने के सामान थे वो कुछ दिनों के अंदर ख़त्म हो गए, फिर मुसलमानों के पास खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं था। माएँ कहती हैं कि उस वक्त में हमारी भूख से ज़्यादा हमारे अपने बच्चों का रोना या हमें तड़पा था, इसलिए कि खाना पानी कुछ भी था तो माओ की छातियां भी खुश्क हो गई थी, बच्चों को दूध नहीं मिला। तो इतने सब तो हालात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे हालात आए। इतनी मुकद्दस इतनी पाकीज़ा ज़ात है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कैसे हालात आए। अबू लहब की बीवी, आपकी चची, चाची आपकी, वो जाती थी जंगल में लकड़ियाँ और खारदार कांटेदार जो है तो दरख्त हो वो सारे लाती, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती, ऐसे दुश्मन। अबू लहब जो आपका चचा है जिसने आपकी पैदाइश पर अपनी बांदी को खुशी में आज़ाद कर दिया था, वो अबू लहब क्या करता था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता, जहाँ आप दावत देते लोगों को कहता ये शाही है, जादूगर है, ये शाहिर है, ये मजनून है, ये पागल है, ये दीवाना है, इसकी बातें मत सुनना, इसकी बातों में मत आना। ये कह आप बैतुल्ला के पास नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल अपनी महफिल लगा करके बैठा है, महफिल में बात छिड़ी, कौन है जो इस वक्त में मोहम्मद के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट की ओझड़ी उसकी गंदगी ला करके डाल दी कि फुला जगह ऊँट जबा हुआ है वहाँ उसकी गंदगी पड़ी हुई है, हम में से कौन ऐसा बहादुर है जो उस ऊँट की ओझड़ी को गंदगी को ला कर आप पर डाले। अब जानने का मैं लाऊ गया ला करके आपके ऊपर डाल, आप सज्दे में थे, आपसे उठा नहीं जा रहा था, आपकी लखते जिगर आपकी चहीती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जब देखा तो आई आ करके अपने अब्बा के ऊपर से वो गंदगी को हटाया, फिर आप सजदे से उठे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बद्दुआ देने लगी उन लोगों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बद्दुआ मत। तो ऐसे सख्त तो हालात आए, बैतुल्लाह के पास मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, नमाज नहीं पढ़ सकते, छुप छुप करके मुसलमान रहा करते थे। तो अब उस वक्त के जो हालात थे और आज के हालात, अगर आज के हालात का हम उस वक्त के हालात से मुकाबला करें तो आज के हालात कुछ भी नहीं है, हम पर ऐसे हालात हैं, हाँ ठीक है मुसलमानों पर हो रहे हैं ऐसे हालात आ रहे हैं, लेकिन वैसे सब तो हालात नहीं। लेकिन उन हालात में जब मुसलमानों के ऊपर इतने सख्त तो हालात थे तो उस वक्त तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों को किन बातों का हुक्म किया, वही बातों पर हमें भी अमल करना। उन हालात में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को पांच बातों का हुक्म दिया, कितनी कितनी बातों, बात तो समझ रहे समझ में आ रही। उन हालात में जब मुसलमान ज़ुल्म व सितम की चक्की में पिस रहे थे, मक्का की ज़िंदगी उनके लिए तंग हो गई थी, मक्का की सरजमीन पर रहना उनके लिए मुश्किल तर हो गया था, ऐसे हालात में अल्लाह पाक ने कुरान करीम के ज़रिए से मुसलमानों को पांच बातों का हुक्म किया। वही पांच बातें हम अपने पल्लू से बांध लें, पल्लू से बांधने का क्या मतलब, अपने अमल में उसको। तो अल्लाह पाक ये जो हालात के बादल हैं इन सारे हालात को अल्लाह पाक दूर कर दे। सहाबा किराम को अल्लाह ने इतने सब को हालात में उन पांच बातों का हुक्म दिया, सहाबा ने उन पांच बातों पर पूरा की पूरा अमल किया, उस पर अमल पैरा हुए तो अल्लाह पाक ने हालात को ख़त्म कर दिया। वही पांच बातों पर हमें भी अमल किया, वो पांच बातें क्या हैं, अल्लाह ने उसको पदरवे पारे के अंदर पूरे रुकू के अंदर अल्लाह ने उन पांच बातों को बयान किया। सबसे पहली बात अकीम الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهورا। सबसे पहली अल्लाह ने जिस बात का हुक्म किया वह है नमाज। अल्लाह ने कहा नबी जी
नमाजों का एहतमाम कीजिए। कब से कब तक? तो कहा सूरज के ढलने से लेकर रात का अंधेरा छाने। सूरज जब ढल जाता है, अभी इस वक्त में सूरज ढला, तो ये सूरज ढलने के बाद से रात के अंधेरा छाने तक नमाजों का एहतमाम करो। सूरज ढलने के बाद से रात का अंधेरा छाने तक कितनी नमाज होती, कितनी नमाज होती? कौन बोला चार? चार नमाज। सूरज ढलने के बाद से रात का अंधेरा छाने तक चार नमाज। सूरज ढलने के बाद से जोहर की नमाज का वक्त शुरू हुआ, जोहर असर मगरिब इशा रात का अंधेरा छाने तक चार नमाजें भी। पांचवी नमाज को अल्लाह ने अलग से बयान किया, वकुरान अल फजर, और फजर की नमाज में कुरान करीम के पढ़ने का इंतजाम कर। फजर की नमाज को अल्लाह पाक ने अलग से बयान किया, क्यों? इसलिए कि फजर की नमाज लोगों पर बहुत मुश्किल होती है। नींद का वक्त है, गफलत का वक्त है, गर्मी के मौसम में रात छोटी है, नींद पूरी नहीं हुई, उठना मुश्किल होता है। सर्दी के मौसम में सख्त सर्दी है, गरम गरम जो है तो चादर लिहाफ ओढ़ करके सोया हुआ है, बिस्तर के अंदर अच्छा गरम लग रहा है, अब चादर को लिहाफ को हटाना, ठंडे पानी से वजू करना, ठंडी के अंदर मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए अल्लाह पाक ने फजर की नमाज को अलग से बयान किया कि फजर की नमाज का भी एहतमाम करो। सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरा छाने तक चार नमाजें और फजर की नमाज। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फजर की नमाज को अलग से बयान किया और आपने कहा मन सल्लल पर नहीं फकत दखल अल जन्ना, जो दो ठंडी नमाजों को पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। दो ठंडी नमाजें कौन सी है? एक असर की नमाज है और एक फजर की नमाज है। इन नमाजों का एहतमाम करो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बारे में कहा, जो फजर की नमाज को पढ़ ले वो अल्लाह की इबादत में, जो फजर की नमाज को पढ़ ले वो अल्लाह की इबादत में। तो फजर की नमाज मुश्किल होती है, उठना मुश्किल होता है। आज हमारे लिए फजर की नमाज में आना और फजर की नमाज के लिए उठना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सहाबे किराम की जिंदगी को देखें, ईमान लाते ही अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के ऐसे ताबे कर दिया था, ऐसे ताबे कर दिया था कि बस अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए और रसूल की जबान से कोई हुक्म निकल जाए तो सहाबे किराम की जिंदगी में वो हुआ करता। बताओ ना, जिंदगी भर की लत लगी हुई शराब थी, शराब के आदि थे, हर खाने के वक्त में शराब की बोतल हुआ करती, हर उनकी पार्टी में महफिल में शराब हुआ करती थी। उम्दा से उम्दा शराब जिसके पास होती थी वो इतना ही साहिब इज्जत इज्जत वाला माना जाता, इतने शराब के आदि थे। लेकिन अल्लाह का एक हुक्म आया, जिंदगी भर की मुंह लगी शराब को छोड़ दी, और आज एक मुसलमान को फजर की नमाज को उठना मुश्किल हो, और वो जिंदगी भर की मुंह लगी शराब को छोड़ दी। तो नमाजों का एहतमाम, सबसे पहले अल्लाह ने कहा अगर हालात को दूर करना है, अगर इस्लाम की शान और शौकत और अपना रोग दबदबा चाहते हो तो सबसे पहले नमाजों का एहतमाम करो। नमाज तो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, नमाज तो अल्लाह की रजा का जरिया है। नमाज में तो अपनी आजजी तवाजु इंकिसारी अपनी मस्कनत का इजहार है और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की किबरियाई व बड़ाई का इजहार है। नमाज में तो दुनियावी मुनाफे भी है, दुनियावी नफा भी है और आखिरत का नफा भी है। दुनियावी नफा के रोजी की तंगी दूर होगी और आखिरत में तो बेशुमार अल्लाह की तरफ से नमाजों के एहतमाम पर इनाम है। नमाज में तो आखिरत की याद दहानी है, कब्र की याद दहानी है। कभी आपने गौर किया कि नमाज में रुकू क्यों? गौर किया कभी नमाज में रुकू क्यों है? नमाज में रुकू इसलिए है कि जब आदमी रुकू में जाता है तो ना आदमी पूरा जमीन पर होता है, ना पूरा आदमी खड़ा हुआ होता है, बीच में होता है, ना पूरा जमीन पे और ना पूरा खड़ा हुआ है, बीच में है। क्यों? ये बताने के लिए कि बंदे आलमे दुनिया और आलमे आखिरत के बीच में एक आलम है। इस आलमे दुनिया जिसमें अभी हम रह रहे हैं, ये आलमे दुनिया है
और एक आलम आखिरत आने वाला है। इस आलम दुनिया और उस आलम आखिरत के बीच में भी एक आलम है, वो आलम कौन सा है? वो आलम आलम बरज़ख है, कब्र का आलम के कब्र में जाना वो आलम बरज़ख है। वो आलम बरज़ख ना पूरी दुनिया है ना पूरी आखिरत है, पूरी दुनिया भी नहीं है और पूरी आखिरत भी नहीं है। जैसे रुकू ना पूरा जमीन पर है और ना पूरा खड़े हुए बीच में है, अल्लाह ये बता रहे कि जैसे तुम अभी बीच में हो ऐसे बीच में एक आलम आने वाला है, आलम आलम बरज़ख, उसकी तैयारी करो, रुकू में जाकर उसको याद करो। हर नमाज में दो सज्दे क्यों रखे गए? अच्छा फिर रुकू से आदमी खड़े होता है, रुको से आदमी क्या हुआ? रुको में गया फिर खड़ा हुआ क्यों? ये बताने के लिए कि तुम जब कब्र में जाओगे तो कब्र में से फिर दोबारा जिंदा किए जाओगे, कब्र में से उठोगे कयामत के दिन तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो जैसे तुम रुको में गए हो, ये आलम बरज़ख है, ये कब्र है, और जब तुम रुको से उठोगे तो ये कौन सा आलम है कि कब्र से उठने के बाद जो तुम दोबारा जिंदा होगे वो उसको याद दिलाने के लिए। नमाज में दो सजदे क्यों है? नमाज में दो सजदा इसलिए है, एक सजदा तो जब तुम गए हो सजदे में ये बताने के लिए कि तुम मिट्टी से पैदा हुए, और दूसरा सजदा ये बताने के लिए इसी मिट्टी में तुम जाओ, और ये भी बताने के लिए है कि जब तुम दुनिया में आए थे तो कुछ नहीं थे, इसलिए जमीन में जा करके बता रहे तुम दुनिया में आए थे कुछ नहीं थे, दुनिया में आने से पहले कुछ नहीं थे, दुनिया में आने से पहले तो कुछ भी नहीं थे, वो तो बाप की और माँ की मनी के मिल करके नुतफे से तुम पैदा हुए। बाप की मनी तो उसके पेट में थी और माँ की मनी तो उसकी छाती में थी, वो दोनों का मिलाप हो इससे तुम दुनिया में आए, उससे पहले कुछ नहीं थे। तो सज्दे में जा करके ये बताया जाता है तुम कुछ नहीं थे। फिर जब सज्दे से आदमी उठता है बैठता है, पहले सज्दे से उठ करके बैठता है तो ये बताने के लिए जब तुम दुनिया में आए तो तुम कुछ बन गए, तुम्हारे पास बंगला हो गया, तुम्हारे पास गाड़ी आ गई, तुम ठाट बाट वाले हो गए, तुम्हारे पास दुनियावी ओहदे आ गए और तुम मालदार बन गए, तुम्हारी कुछ लोगों में बन गई, तो तुम दुनिया में आने के बाद कुछ कुछ हो गए सजदे से उठने के बाद भी, ये बताने के लिए। फिर दोबारा सजदे में गए तो ये बताने के लिए अब वापिस तुम वो तुम्हारा जो दुनिया में आए थे और तुम कुछ बन गए थे वो सब खत्म होने वाला है, तुम इसी जमीन में दोबारा आने वाले। तो नमाज को, नमाज तो आखिरत को याद दिलाने के लिए, लेकिन आज अल्लाह पाक ने जिन पांच बातों का हुक्म दिया था मुसलमानों को उन हालात को दूर करने के लिए, तो सबसे पहला हुक्म था नमाज, लेकिन आज मुसलमानों में वही नमाज का एहतमाम नहीं। अगर हम देखा जाए तो इसमें से कितने फीसद ऐसे होंगे कि जो पांचों नमाजों का एहतमाम करते हैं, गिनती के ऐसे निकलेंगे जिनका जिनके पांचों नमाजों का एहतमाम है, और अक्सर ऐसे निकलेंगे जो दो तीन पढ़ते हैं, दो तीन असर मगरिब पढ़ ली, जोहर पढ़ ली, बाकी ईशा और फजर गए, और कुछ ऐसे होंगे कि जो बस सिर्फ जुमा और जुमा, बाकी हफ्ते भर नमाज होती, जबकि नमाज तो ये अल्लाह के कुर्ब का दर, अल्लाह की रजा का दर, अपनी आजिज़ी अपनी तवाज़ु अपनी मस्कनत को जाहिर करने का, अल्लाह की किबरियाई को बयान करने का जरिया। तो इसलिए अल्लाह पाक ने मुसलमानों से कहा था, मक्का के मुसलमानों को जो जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे, जिनके लिए मक्की जिंदगी तंग हो गई थी, मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दोभर हो गया था, उनको अपने वतन में रहना मुश्किल हो गया था, अल्लाह पाक ने कहा था अगर हालात को दूर करना चाहते हो तो पांच बातों का इंतजाम करो, उन पांच में से पहला था नमाजों का इंतजाम। दूसरा हुक्म, दूसरी बात अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया था वो दूसरी बात थी, वो मिन अल्लैल फतहज्जुद बिही नाफिलतन लक, मुसलमानों तहज्जुद का इंतजाम। हदीस पाक के अंदर है फर्ज नमाज के बाद, फर्ज और वाजिब नमाज के बाद सबसे अहम अगर कोई नमाज है तो तहज्जुद की नमाज। एक साल तक के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। तहज्जुद की नमाज जब आदमी आधी रात के गुजरने के बाद उठता है उस वक्त में हदीस पाक के अंदर है अल्लाह पाक पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाते और अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान होता है कोई दुआ मांगने वाला
जिसकी दुआ को हम कबूल करें। हाय कोई मगफिरत को चाहने वाला जिसकी हम बख्शिश करें। हाय कोई अल्लाह के सामने अपनी हालात को मांगने वाला कि जिसके हालात को हम दूर करें। अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है। इसलिए तहज्जुद का एहतमाम करना, तहज्जुद तो नेक लोगों का तरीका है, तहज्जुद की नमाज नेक लोगों की आदत है। जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है उसके ऊपर नेक लोगों का जो है तो नूर उसके चेहरे पर होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा तहज्जुद की नमाज पढ़ो और उसमें कुरान करीम के पढ़ने का एहतमाम करो। और तीसरी बात जिसका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया मुसलमानों को वो क्या थी, कुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्कन वअख्रिजनी मुखरज सिद्क। तीसरी चीज जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया वो दुआ है। मुसलमानों अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ अपनी आजजी का, अपनी मस्कनत का, अपने गुनाहगार होने का, अपने नाफरमान होने का, अपने मासियत में डूबे हुए होने का अल्लाह के सामने इजहार करो। अल्लाह के सामने अपने जो है तो जालिम होने को बयान करो। अल्लाह की मदद को मांगो, अल्लाह की नुसरत को मांगो। अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मदद होगी। इसलिए दुआओं का इंतजाम करो। दुआ तो मोमिन का हथियार है, सिलाहुल मोमिन मोमिन का हथियार है। दुआ तो इबादत का मक्स है। दुआ में तो रूठा हुआ रब राजी होता है। अल्लाह के सामने हम थोड़ा सो रो दे, गिड़गिड़ा दे, अपने आंसुओं को बहा दे, खुदा की कसम अल्लाह की कुदरत अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ दौड़ी दौड़ी आए। हदीस बात के अंदर है बंदा एक बालिश तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह की रहमत एक हाथ मुतवज्जे होती है। अब बंदा अल्लाह की तरफ एक हाथ दौड़ता है अल्लाह की रहमत उसकी तरफ चल करके आती है। बंदा अल्लाह की तरफ चल करके जाता है अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ करके आती है। अल्लाह तो माफ करने वाले। इसलिए अल्लाह के सामने हाँ अपने रूठे हुए रब को मनाना उसके लिए अल्लाह पाक ने दुआ दी, तो दुआ का इहतमाम करना। अल्लाह के सामने हालात को रखो जो हालात तुम पर आ जाए। तीसरी चीज ये थी जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। और चौथी चीज जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया वो थी वकुल जाल हक वजा कल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। मुसलमानों मायूस मत हो। आज तुम्हें दिख रहा है कि कुफार का रोब है, दबदबा है, सब चीजें उनकी है और आज मुसलमानों के पास कुछ नहीं है। मुसलमान निहत्ते हैं, मुसलमान कमजोर हैं, मुसलमानों के लिए मक्का की जिंदगी में रहना मुश्किल है। तुम्हें लग रहा है कि हालात कैसे दूर हो गए, हमारे पास तो हथियार भी नहीं, हमारे पास तो लड़ने के लिए जंगी सामान भी नहीं, हम तो दुनियावी एतबार से कोई मजबूत भी नहीं है, तो हालात कैसे दूर होंगे। अल्लाह ने कहा नहीं मायूस मत हो, बिल्कुल जो है तो डंके की चोट पर कहो, बबांगे दोहर कहो और खूब जोर से कहो जा हक वजा कल बातिल। इस्लाम आ गया, इस्लाम की हक्कानियत आ गई, इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम का बोल बाला होगा, बातिल सर निगू होगा, बातिल मिटेगा, बातिल चूरा चूरा होगा, बातिल पास पास होगा, बातिल की खोपड़ी फूटेगी और हक का बोल बाला होगा। मुसलमानों घबराओ मत, हालात का बदलना अल्लाह के हाथ में है, बस तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर और उसके फरमा बरदार बन करके अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बन जाओ। अल्लाह पाक सख्त से सख्त हालात को बदल दे, तुम वैसी अपनी जिंदगी को बना लो। इसलिए मायूस मत हो, बिल्कुल कहो इस्लाम का बोलबाला होगा, इस्लाम का बोलबाला होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम आएगा। अभी वक्त तो आने वाला है, वो वक्त तो आने वाला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अल्फाज निकले हैं क़यामत के करीब करीब पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम होगा, इस्लाम अपनी गर्दन डाल देगा, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा, वैसा होने वाला। हाँ हमें लग रहा है कैसे होगा, आज तो हुकूमत उनकी है, बरसर इख्तदार वो है, आज तो सब कुछ ऊपर से लेके नीचे तक के पूरे ओहदे पर तो वो बैठे हुए, कैसे होगा। हाँ होगा,
हमारा हम सब का यकीन है, हम सब झूठे हो सकते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से निकले हुए अल्फाज और आपके कलमात वो झूठे नहीं हो सकते, वो सच्चे हैं। ऐसे हालात आने वाले हैं कि इस्लाम का बोलबाला हो, पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, और हमसे ज्यादा ये बात वो जानते हैं, इसलिए उनको ये डर है, ये खौफ है, और पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। इसलिए आज वो लोगों के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अरे आज इन मुसलमानों को खत्म कर लो वरना मुसलमान तुमको खत्म कर देंगे, इस तरह की नफरत की आग वो भड़का रहे और नफरत की आग जला रहे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो बस अल्लाह और उसके रसूल का मोती और फरमा बरदार बन करके जिंदगी को गुजारना, तो इस्लाम का बोलबाला हो। और पांचवी और आखिरी चीज है, वो क्या है, वो पांचवी चीज है कुरान करीम। वअनزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, मुसलमानों जो कुरान करीम तुम पर हम उतार रहे, नाजिल कर रहे हैं, जिसमें तुम्हारी शिफा, तुम्हारे लिए शिफा भी है, तुम्हारी रूहानी शिफा भी है, तुम्हारी जिस्मानी शिफा भी है, और अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए उसके अंदर रहमत भी है। ऐ मुसलमानों, उस कुरान करीम के पढ़ने का इंतमाम करो, उस कुरान करीम को समझो और उस कुरान करीम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाओ। लेकिन आज एक मुसलमान के पास व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, ट्विटर चलाने के लिए, सब चलाने के लिए आज एक मुसलमान के पास वक्त है। जो व्हाट्सएप पर और पबजी पर लगा है तो घंटा घंटा निकाल देते हैं, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे पबजी पर गर्दन झुकाइए, गर्दन भी दुख रही है, नजरें भी दुख रही, नजर में भी तकलीफ होने लगी, हाथ में भी तकलीफ हो रही, लेकिन लगा हुआ है, माँ भी पुकार रही है, बाप भी आवाज दे रहा है, भाई बहन खाने के लिए बुला, लेकिन वो अपने उसमें लगा हुआ है। दो दो घंटा, तीन तीन घंटा पबजी के अंदर, क्रिकेट में, देखने में, सब चीजों में लगा देंगे। लेकिन ये कुरान करीम जिसको अल्लाह पाक ने हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए नाजिल किया, जिस कुरान करीम के अंदर हमारा दस्तूर है, हमारा मंशूर है, हमारा कानून है, जिसमें हमारी जिंदगी के गुजारने के बेहतरीन उसूल बयान किए गए हैं, वो कुरान करीम को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं। कितने लोग हैं जिनको कुरान करीम अभी पढ़ना भी नहीं आता हो। हम कुरान करीम को पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसको जिंदगी में दाखिल कैसे करेंगे जब हम उसको समझेंगे ही नहीं। इसलिए कुरान करीम, हाँ आज हमारे पास सारे व्हाट्सएप के अंदर जितनी जो है तो हाँ जितनी वीडियो आई है, जितने मैसेज आए, उसको देखने, उसको पढ़ने के लिए वक्त है, लेकिन अर्श इलाही का, दुनिया का, कायनात का रब, खालिके कायनात, खालिके जिन्नो बशर, उसका नाजिल किया हुआ कुरान करीम जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर नाजिल हुआ है, जिसमें हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबी है, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। तो इसलिए कुरान करीम के पढ़ने का इहतमाम करें। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जिनको अंग्रेजों ने माल्टा की जेल में कैद किया था, उन्होंने कहा था, आज मैंने गौर किया कि मुसलमान इतनी पस्ती में, इतनी जिल्लत में ऐसे जलील क्यों हो गए, तो मैंने उसकी कई वजह निकाली है। उन वजह में से बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों ने कुरान करीम के पढ़ने का, उसके समझने का अहतमाम छोड़ दिया, इसलिए पूरी दुनिया में जलील हो गई। तो पांच बातों का इंतजाम करना है तो आज के जो हालात हैं इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगे। इससे सख्त तो हालात मक्का में थे, अल्लाह ने उन हालात में मुसलमानों को इन पांच बातों का हुक्म किया था, मुसलमानों ने उन पांच बातों पर अमल किया, अल्लाह ने चंद सालों के अंदर वही मक्का, जहां से मक्का के काफिरों ने अल्लाह के रसूल को और मुसलमानों को निकाला था, अल्लाह ताला ने वही मक्का में मुसलमानों को दोबारा फातिहाना शान के साथ दाखिल किया, और 8 साल के अंदर अंदर वो मक्का जो है तो मुसलमानों के हाथों फतह हो गया। तो अल्लाह हालात बदल देंगे। तो पांच बातें याद है, क्या क्या है, पहली बात पांचों नमाजों का एहतमाम, तहज्जुद का एहतमाम, और तीसरा दुआओं का एहतमाम, और चौथा मायूस नहीं होना, ये उम्मीद रखना इस्लाम का बोलबाला हो, और पांचवी चीज कुरान करीम के पढ़ने का एहतमाम। अल्लाह पाक हमें